छठ पूजा की तैयारी कर लिए है? हाँ कर लिए है। कुर्ता पजामा खरीद लिए? हाँ एकदम पूरा फुल तैयारी। लेकिन कपड़ा खरीदने के बाद छठ घाट पे धमाल करना? हाँ धमाल तो करना ही है, एकदम पूरा एकदम फुल। उसी के लिए तो इतना मेहनत कर रहे हैं। बहुत कम बिक रहा है, बहुत कारण क्या? धान सूख गया, सब आदमी को सूखी पड़ गया। हाँ मार्केट डाउन हो गया है। तो व्यस्त है केला बेचने में? आपकी छठ पूजा की तैयारी हो चुकी है? हाँ हो रहा है, घर पर आदमी है ना। है ना? हाँ। कुर्ता पैजामा खरीद लिए है? सब खरीदा गया है एकदम फुल तैयारी। फुल तैयारी पटाखा फोड़ देना है? फोड़ देना है। गांधी चौक पर पर्व के दौरान देखिए भीड़ चल रहा है और स्थानीय प्रशासन मौन है। जब तक घाट पर दौरा न पहुंच जाए तब तक जो है ना समझिए कि तैयारी में लोग रहता। डाउन बाजार चल रहा है? डाउन बाजार चल रहा है। हाँ। आज तो खरना है? हाँ खरना तो है। आज भी डाउन बाजार चल रहा है? हाँ अभी तो डाउन चल रहा है। आज छठ पर्व का दूसरा दिन है और इस दूसरा दिन को खरना कहा जाता है और आज से छठ पूजा का सबसे कठिन दिन शुरू होता है छठ व्रतियों के लिए। फिलहाल अभी हम मोतिहारी जिला के ढाका थाना क्षेत्र के गांधी चौक पे हैं और इस गांधी चौक पे देख सकते हैं कि कितना भीड़ लगा हुआ है और यह भीड़ देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि हिंदुओं का महापर्व छठ पूजा में कितनी धूमधाम से तैयारी से की जाती है, कितना हर्षोल्लास के साथ किया जाता है। और यहाँ पे इतनी भीड़ है कि हम शायद इस चीज को बयान नहीं कर सकते हैं। थोड़ा सा कहेंगे कि आप अगर आकर इस कैमरा को चारों तरफ रोटेट करके दिखा दीजिएगा कि हिंदुओं का छठ महापर्व किस तरह से तैयारी की जाती है। कुछ मीडिया बंधु भी हमारे सामने खड़े हैं, कवरेज कर रहे हैं और यहाँ के लोग कहाँ कहाँ से आए हुए शायद हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। चाचा केला बिक रहा है? हाँ बहुत डाउन बाजार चल रहा है। डाउन बाजार चल रहा है। हाँ। आज तो खरना है? हाँ खरना तो है। आज भी डाउन बाजार चल रहा है? हाँ अभी तो डाउन चल रहा है। क्यों? कारण? कारण देखिए बस्ती में बहुत केला उबेरी के लेकर केला बहुत है। अच्छा डाउन चल रहा है लेकिन बेचने वाले की संख्या ज्यादा हो गई है? हाँ बहुत ज्यादा है। फिर आपकी वजह से मार्केट डाउन कहा जा सकता है? हाँ हाँ। बाकी यहाँ के कहाँ कहाँ के लोग आपसे केला खरीदने आए हैं? ये मानिए ना मठिया से लेकर के आपको कसैया तक हुआ था। चलिए छठ पूजा की बहुत बहुत बधाई हुआ आपको। अच्छा और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। आज खरना है, क्या कहना चाहेंगे? खरना है तो बाजार में देखिए रहे हैं कि आस्था का महापर्व छठ पूजा जो है ना नहाय खाए से शुरू हो गया है और श्रद्धालुओं द्वारा जो है ना ढाका गांधी चौक पर छठ पूजा के सारी सामग्री खरीद रहे हैं। अच्छा आप छठ पूजा की कितनी तैयारी कर लिए हैं? छठ पूजा का लगभग अभी लोग तैयारी में है। जब तक घाट पर दौरा न पहुंच जाए तब तक जो है ना समझिए कि तैयारी में लोग रहता है। कुर्ता पैजामा खरीद लिए हैं? सब कपड़ा उपड़ा रेडी है, खरीदा कर रेडी है, बस छठ घाट का इंतजार है कि शाम के समय जो है ना डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने के लिए जो है ना लोग अब इसके लिए तैयारी में लोग जुट चुके हैं। अच्छा चलिए आपको छठ पूजा की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद शाह न्यूज को। धन्यवाद धन्यवाद। और भीड़ इसलिए हो जाती है क्योंकि छठ प्रति का जितना धूमधाम से सजाया जाता है, जितना मनाया जाता है, उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। सिर्फ छठ पूजा मनाने के लिए न जाने लोग कहाँ कहाँ से आते हैं। अपनी नौकरी छोड़कर आते हैं तो कोई अपना वेतन छोड़ के आता है और यही छठ पूजा मनाने के लिए लोग फ्लाइट से पकड़ते हैं, ट्रेन पकड़ते हैं, बस पकड़ते हैं, तो भी 4-5 महीने पहले से अपनी टिकट बुक करते हैं। जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैं कहना यह चाह रहा हूँ कि यहाँ पर देखिए ढाका गांधी चौक पर पर्व के दौरान देखिए भीड़ चल रहा है और स्थानीय प्रशासन मौन है। यहाँ पर प्रशासन को कम से कम सड़क जाम के समय के समस्या के समय कम से कम यहाँ रहकर और यहाँ पर कम से कम देख रेख करते हुए वाहनों का संचालन अपने निगरानी में करते तो बहुत अच्छा रहता। कोई परेशानी नहीं होती मार्केटिंग कर? नहीं, यात्रियों को जो है ना आने जाने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आप सीधे आप तस्वीरों में देख लीजिए, आप देख लीजिए गाड़ियों का आना जाना बहुत है, लोगों को कठिनाई भी हो रही है। हमारी माता बहने जितने भी आ रहे हैं उनको खरीदारी करने में परेशानी हो रही है तो प्रशासन महोदय को भी इस पे ध्यान देनी चाहिए। खास करके दूर दराज के जो है ना दूर दराज के जो श्रद्धालु हैं जो अपने घर वापस लौट रहे हैं छठ पूजा के दौरान और इस जाम में फंस कर घंटों घंटा इस जाम में फंसे रह रहे हैं और बड़ी जाम का बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर स्थानीय प्रशासन को मौजूद रहकर कम से कम इस जाम की समस्या के ओर उनका ध्यान आकृष्ट होना चाहिए ताकि शहर में जाम न लग सके। तो हम सभी प्रशासन महोदय बगल में ही थाना है और थाना प्रशासन और दरोगा जी से अनुरोध करेंगे कि इस जाम की समस्या पर थोड़ा सा अपना रुख करें, अपने निगरानी में गाड़ियों का आवागमन को देख रेख करें ताकि बाहर से आए हुए लोगों को और हमारे छठ व्रतियों माता बहनों को किसी प्रकार की खरीदारी मार्केटिंग करने में कोई परेशानी
इन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। चाचा जी, मार्केट कैसा चल रहा है? मार्केट भीड़ भाड़ बहुत हो रहा है, माई तरह की बहुत भीड़ है। और आपकी जो ये सामग्री बेच रहे हैं, क्या बिक रहा है कि नहीं? बिक रहा है जी, पहले की अपेक्षा अच्छा बिक रहा है। बिक रहा है, अच्छा बिक रहा है। चाचा जी, नींबू बेच रहे हैं? हाँ। बिक रहा है कि नहीं? बिका रहा है कि नहीं? बिका रहा है। बिका रहा है ना, पहले की अपेक्षा आपकी बिक्री अच्छी है या कम है? ठीक है, भला बुरा ठीक है चल रहा है। छठ पूजा की तैयारी कर लिए हैं? कर लिए हैं। कुर्ता पजामा खरीद लिए? हाँ एकदम, फुल तैयारी, पूरा फुल तैयारी। तो हमारे चाचा जी फुल तैयारी में है, छठ पूजा मनाना है और छठ घाट पे जाके पटाखा भी फोड़ेंगे मस्ती से। मार्केट पहले से चल रही है आपकी? चल रही है। छठ पूजा की तैयारी कर लिए? आप तो व्यस्त दिख रहे हैं सामग्री बेचने में। छठ पूजा का तैयारी वाड़ी अच्छा से हुआ है ना? ठीक हुआ है। कुर्ता पजामा खरीद लिए? ठीक है एकदम, पूरा फुल तैयारी, एकदम फुल तैयारी में है चाचा जी भी। आपकी जो पान बेच रहे, पान बिक रही है? हाँ एकदम बढ़िया से, पहले से अच्छा से बिक रहा है ना? हाँ पहले से। छठ पूजा का जीन्स पैंट शर्ट खरीद लिए है? हाँ पूरी तैयारी में है एकदम। छठ घाट पे पटाखा फोड़ देना है? हाँ एकदम। देखिए ये लड़का भी सेवा में भी लगा हुआ है और अपनी तैयारी करके बैठा है। और कल छठ घाट पे यानी कि संध्या घाट को जाकर पूरे एकदम धमाक करेंगे छठ घाट पे। आइए थोड़ा सा और रुक कर लेते हैं यहाँ पे। क्या भैया आपकी मार्केटिंग चल रही है? चल रही है। केला बिक रही है? बिक रही है एकदम। आप तो व्यस्त है केला बेचने में, आपकी छठ पूजा की तैयारी हो चुकी है? हाँ हो रहा है, घर पर आदमी है ना? है ना। हाँ। कुर्ता पैजामा खरीद लिए है? सब खरीदा गया है एकदम एकदम। फुल तैयारी? फुल तैयारी। पटाखा फोड़ देना है? फोड़ देना है एकदम। देखिए भाई साहब एकदम फुल तैयारी में है और पटाखा फोड़ देंगे। कल संध्या घाट है और कल पटाखा फोड़ने की फुल तैयारी में है। मार्केटिंग चल रही है भैया? जी चल रहा है। पहले की अपेक्षा अच्छा बिक रही है या कम बिक रही है? थोड़ा बहुत बिका रहा है। जी आप तो व्यस्त है सामग्री बेचने में, और छठ पूजा की तैयारी हो गई आपकी? जी एकदम जी। कुर्ता पजामा खरीद लिए? जी खरीदा है। फुल तैयारी में? फुल तैयारी में। भाई जी भी है, छठ पूजा की सामग्री बेच रहा है? हाँ भैया एकदम बिक रहा है, खूब बिका रहा है। तो आप तो सामग्री बेचने में व्यस्त है। और आपकी छठ पूजा की तैयारी हुई है कि नहीं हुई है? हो गया है, घर घर हो गया है फुल कम्प्लीट। आप अपने कपड़ा खरीद लिए? हाँ कपड़ा तो खरीद ली एकदम। छठ पूजा में धमाल कर देना है एकदम। एकदम सभी खुशी का नजारा है, चेहरे पे मुस्कान दिख रहे हैं। और यही हिंदुओं का पर्व होता है कि मुस्कान लेकर आती है, खुशियां लेकर आती है। क्या भाई साहब क्या बेच रहे हैं? इसको क्या कहा जाता है? इसको अरक का सामान कहा जाता है। अरक का सामान, स्पेशली इसका नाम क्या है? इसका नाम है अरुआ। अरुआ भाई साहब अरुआ बेच रहे हैं। आप बेचने में व्यस्त है, लेकिन एक बात पूछना चाहूंगा कि छठ पूजा की तैयारी आपकी हो गई है? हाँ हो रहा है, घर पे और आदमी है। हो रहा है। और अपनी जो खरीदारी कपड़ा खरीद लिए है? कपड़ा वो खरीदाएगा हम लोगों का कल सुबह में। कल सुबह में देखिएगा कि हम जनता के सेवा में भाई साहब लगे हुए हैं और खुद अपनी कपड़ा अभी तक नहीं खरीदे हैं, करे कल सुबह में अपनी कपड़ा खरीदेंगे। लेकिन कपड़ा खरीदने के बाद छठ घाट पे धमाल करना? हाँ धमाल तो करना ही है एकदम, धमाल एकदम पूरा एकदम फुल। उसी के लिए तो इतना मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए भाई साहब पूरे फुल तैयारी में हैं और कह रहे हैं कि छठ घाट पे जाके एकदम धमाल कर देना है। ओहो हो देखिए देखिए भाई साहब गिर गए। उठा दे, उठाइए 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 उठाइए, से उठाइए 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 उठाइए। कोई बात नहीं, चलिए चलिए कोई बात नहीं है, थोड़ा सा ट्रैफिक है, भीड़ है, कोई बात नहीं। देखिए और आ गया ये, और आ गया ये, दिखाने का कोशिश करेंगे यहाँ पे। भैया एकदम सामान बिक रहा है ना? हाँ बिक रहा है। से ज्यादा या कम? बहुत कम बिक रहा है। अच्छा, बहुत कम है। बहुत कारण क्या? धान सूख गया, सब आदमी को सूखी पड़ गया। सूखी पड़ गया से कारण आपकी मार्केट डाउन हो गया है। एक बार देख लीजिए, घोरासान वाली रोड जाती है, घोरासान वाली रोड जाती है और पूरा जाम है, पूरा ट्रैफिक है। प्रशासन महोदय को भी यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है। बाकी इसी तरह के खबर और कवरेज पाने के लिए हमारे शाह न्यूज से जुड़े रहें। लास्ट में जाते जाते मैं आपको कहूँगा कि यह छठ व्रत है, जहाँ से भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं शेयर करिए तो मुझे अच्छा लगेगा। आप सभी दर्शकों को छठ पूजा के हार्दिक बधाई एवं शुभकामना। धन्यवाद। जय हिंद।